नमस्कार जी, मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है। आप इनकी हालत देखो, बार बार बोल रहे कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से कीचड़ से निकाला हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है, किसी आदमी को फीवर हो जाता है उसको मेडिसिन नहीं मिलती, किसी आदमी का गला ख़राब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं थाना तिलक नगर की चौकी तिलक विहार में कॉन्स्टेबल पोस्टेड था। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 4 दिन से 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ। मेरे बच्चे घर पर हैं, उनका अब तक टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आप सिटी लैब है वहाँ पे आप फ़ोन करो, 4500 रुपये में आपके बच्चों का टेस्ट होगा एक आदमी का। आप पैसों का अरेंज कराओ, हमारे पास जब सुविधा होगी हम तब कराएंगे। कृपा करके हमारी मदद की जाए। वह अगर नहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दो, मेरे पास CGHS की सुविधा है। ये कहते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस खुद मंगाए, आप जा सकते हो। कृपया करके सरकार को जागरूक करें, वह हमारी समस्याओं से अवगत कराए। सुविधाओं के नाम पर 0 है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किसी भी आदमी के पास कोई कैथली नहीं है। ये कश्मीर सिंह है, ये कल से फीवर है इनको, ये मेडिसिन मांग रहे हैं, इनको मेडिसिन नहीं मिली। कि सिर्फ बिस्लेरी की एक बोतल दे देते हैं। मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बाथरूम है। इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना, और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आयुर्वेद हॉस्पिटल है। कृपया करके हमें सभी को अलग अलग किया जाए। इसी एक फ्लोर पर आप देख सकते हो 20 आदमी, एक ऐसे पच करके 20 आदमी इसी फ्लोर पर है और सभी का बाथरूम एक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।